Hello everybody, welcome to the YouTube channel Studying XITJ and this is your maths tutor Ankit Raj. Okay, so our next topic is condition of common root. We have covered all the lecture 1 and lecture 2 all the fundamental parts. Then we will do this question. We have done 9 questions yesterday, this is the 10th last question. Tell me about the concept, which is completely solid. Okay, let's attempt it. What do you do? Modulus I have studied in logarithm. Okay. क्या करना है, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू को आप t एज्यूम करें, मॉडुलस ऑफ x माइनस टू को t एज्यूम करें. ओके, तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, t स्क्वायर प्लस t माइनस टू इक्वल्स टू जीरो. इसको चाहे तो आप फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, t स्क्वायर प्लस टू t माइनस t. इसे टी क्या आ गया, माइनस टू या फिर वन. ओके, टी के तो दो सॉल्यूशन आए, ठीक है. अब देखते हैं टी है क्या, मॉडुलस. तो मॉडुलस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है, नहीं, तो माइनस टू तो रिजेक्ट, यानी टी एक्स माइनस टू इक्वल्स टू वन. तो इससे दो सॉल्यूशन आएंगे, क्योंकि एक्स माइनस टू क्या होगा, प्लस माइनस वन, तो एक्स हो जाएगा टू प्लस माइनस वन, यानी थ्री और वन. और हमसे पूछा गया क्या गया है, द सम ऑफ ऑल रियल रूट्स, तो सम इसका क्या है, फोर. ओके, ठीक है, आसानी क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लीजिए. इसके बाद हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट. ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट. फॉर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो और ए टू एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो, ये दोनों के लिए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट होते हैं, दो. तो क्या हो सकता है, या तो कोई रूट कॉमन नहीं हो, ठीक है ना, या फिर एक रूट कॉमन हो, या फिर दोनों रूट कॉमन हो. तो कॉमन रूट के हमारे पास दो केस बनते हैं, केस वन कि दोनों रूट कॉमन, यानी इसके भी रूट अल्फा बीटा, इसके भी रूट अल्फा बीटा, ठीक है, इसके भी रूट अल्फा बीटा, उसके भी अल्फा बीटा. ये हुआ हमारा केस वन. फिर केस टू है कि इसके रूट हुए अल्फा बीटा और इसके रूट हुए अल्फा गामा. ओके, तो एक रूट कॉमन है अल्फा, तो ये है हमारा केस टू. देखिए क्या है ना, केस टू की तो हम काफी प्रैक्टिस करते हैं, हर कोचिंग मॉड्यूल में, हर कोचिंग के टीचर, हर स्कूल के टीचर सब इसको काफी इंफेसिस देके इसको अच्छे से पढ़ाते हैं, ठीक ना. इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है जेई में, ठीक ना, वो मैं कराऊंगा जेई के डायरेक्ट क्वेश्चन. लेकिन ये जो है, इसमें भले ही जेई में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है, डायरेक्ट तो ऐसे आया है क्वेश्चन जेई में आया है, लेकिन ये छोटे छोटे पार्ट में क्वेश्चन के सब पार्ट बना हुआ रहता है और वहां पे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि इसको उतना ध्यान से नहीं पढ़े होते हैं. तो इसीलिए हम इसको सबसे पहले देखते हैं, केस वन. ओके, तो केस टू अभी हम ठंडे बस्ते में डाल देते हैं. ओके, अब चूंकि अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, अगर अल्फा कॉमन रूट है दोनों का, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो यानी a1 इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0 और a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0 c1 c2. ओके, ये हो रहा होगा. अब चूंकि इसके दोनों रूट्स कॉमन हैं, तो मैंने कल पॉलीनोमियल वाला थोड़ा कांसेप्ट बताया था, तो इसके रूट्स क्या होंगे, मान लेते हैं अल्फा बीटा ही है, तो ये हो रहा होगा a1 x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, और ये इक्वेशन किस टाइप का होगा, ए टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा. ओके, अब दोनों को थोड़ा और सिंप्लीफाई कीजिए, तो क्या हो रहा होगा, फर्स्ट इक्वेशन ए वन एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, और दूसरा वाला क्या बन रहा होगा, ए टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा. ओके, अब देखिए यहां पे कोफिशिएंट्स जो है, कोफिशिएंट्स वो क्या है, रेशियो में ए वन अपॉन ए टू. ओके, समझ रहे हो ना, तो इस तरह से हम कर सकते हैं, जो कोएफिशिएंट्स है वो एक रेशियो में है, और सेम रेशियो में, जिस रेशियो में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है उसी रेशियो में एक्स का कोएफिशिएंट है, और उसी रेशियो में कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है. तो अब इस तरह से इसमें हम लिख सकते हैं कि ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू बी वन अपॉन बी टू इक्वल्स टू सी वन अपॉन सी टू, ठीक है.
जब भी है कि दो इक्वेशन दिए गए हैं, दोनों के रूट जो है, दोनों रूट कॉमन है, तो आप ये रेशियो इक्वल कीजिएगा। लोग बाग क्या करते हैं ना, मिस्टेक मिस्टेक पॉइंट बताता हूं। अगर दिया हुआ है कि दो रूट्स कॉमन है, तो क्या करते हैं ना, वो करते हैं डायरेक्ट ए वन इक्वल टू ए टू एंड बी वन इक्वल टू बी टू एंड ऑल्सो सी वन इक्वल टू सी टू, वो ये करते हैं और ये गलत हो जाता है, ठीक ना? ठीक है, थोड़ा और समझते हैं इसी टॉपिक को, इस वन को ही थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखिए, अगर दो इक्वेशन है जिसके दोनों रूट कॉमन, दोनों इक्वेशन एक टाइप के हैं, आइए बताता हूं कैसे। देखिए, ओके, और एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो। ओके, ये दो इक्वेशन दिया हुआ है, वैसे तो आप थ्री काटोगे तो वही हो जाएगा, तो इस इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल है, क्या है रूट्स, ठीक है, जो भी है आप निकाल लोगे। ठीक, अभी फिलहाल ये आ रहा है सर डी नेगेटिव, मैंने जानबूझकर डी नेगेटिव वाला केस दिया है आपके सामने। ओके, क्योंकि तो अगर डी नेगेटिव होगा तो क्या एक रूट कॉमन हो सकता है? नहीं, क्योंकि कॉफिशियंट्स रियल है, कॉफिशियंट्स रियल है, तो अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू आया और वो कॉमन निकला, तो अगला रूट तो दोनों का पी माइनस आयोटा क्यू होगा ना। तो मैंने जानबूझकर ये केस लिया था ताकि मैं समझा सकूं आपको कि अगर डी नेगेटिव आ रहा है ना, तो दोनों रूट्स, या तो दोनों रूट्स कॉमन होंगे या नो रूट्स कॉमन। ओके, और ये बात भी मैंने आपको समझा दिया कि इसके कॉफिशियंट रेशियो में होने चाहिए, जैसे 3/1 इक्वल्स टू माइनस सिक्स अपॉन माइनस टू इक्वल्स टू 9/3। ठीक है, वो बात देखिएगा पॉलिनोमियल की करेगा, ठीक ना, हो सकता है बात पॉलिनोमियल की करे, या फिर वो अगर इक्वेशन की भी बात करे तो आपको फंसाएगा कि आपने अगर इक्वल मान लिए, दोनों को सेम कॉफिशियंट मान लिए, तो आप फंस जाओगे। ओके, ठीक है, तो आप ये नोट करो। ओके, केस टू, ओनली वन रूट कॉमन, यानी इसका एक रूट हो रहा होगा अल्फा बीटा, तो इसका हो रहा होगा अल्फा गामा। ओके, क्योंकि अल्फा दोनों का रूट है, तो अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, ठीक है ना? तो यानी ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब याद है आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते जाए, अगर ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो और ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो रहता था, उसको कैसे सॉल्व करते थे? आपको कुछ याद है? खैर नहीं भी याद है मैं बताता हूं, आप ऐसे लिखना अल्फा स्क्वायर अपॉन खाली जगह भी इक्वल टू माइनस अल्फा, ये मिस्टेक नहीं कर रहा हूं, मैं जानबूझ के माइनस अल्फा लिख रहा हूं। ओके, अपॉन खाली जगह इक्वल टू वन, अभी जो खाली जगह है इसको भरते हैं, ये मॉडुलस नहीं है, ये डिटरमिनेंट है। तो क्या करते हैं, अगर अल्फा स्क्वायर के नीचे वाला जानना है ना, तो इसको आप ढक लीजिए, कॉफिशियंट्स बस लिखिए बी वन बी टू सी वन सी टू, और मुझे अल्फा जानना है, ढकिए उसको, आप ढक लीजिए अल्फा वाले को, तो ए वन ए टू सी वन सी टू, फिर आप इसका जानना है इस वन अपॉन का, तो ये इसके कॉफिशियंट को ढक लीजिए, तो ए वन ए टू बी टू। अभी डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है, देखिए डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व होता है, देखिए डिटरमिनेंट ऐसे सॉल्व होता है, पहले ओके माइनस बी वन सी टू माइनस बी टू सी वन, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। ओके, इसको ऐसे समझिए टाई के नॉट की तरह। ओके माइनस, ठीक है, आप टाई समझे, गामा समझे, छोटा आर समझे, जो समझना है इस तरह से। ओके, ये क्या हो गया, अल्फा स्क्वायर अपॉन बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, इसको मिटा देता हूं, इक्वल्स टू वन अपॉन ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब बोलोगे कि इससे कंडीशन ऑफ कॉमन रूट कैसे आएगा, देखिए आएगा, आप क्या कीजिए पहले इन दोनों को सॉल्व कीजिए। ओके, तो इन दोनों को सॉल्व करने से क्या आएगा, माइनस अल्फा, इसको उछाल दीजिए इधर, तो
माइनस अल्फा आएगा, तो आप माइनस साइन ले लीजिए, तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए वन, किसको उचका है, तो ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन अपॉन अपॉन जो है पहले से, अपॉन क्या है, ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है, इससे तो अल्फा आया, ठीक है, कंडीशन देखिए इसी से आएगा। अब आप इन दोनों को भी जब सॉल्व कीजिएगा तब भी अल्फा आएगा, क्योंकि एक अल्फा कटेगा तो माइनस अल्फा, ओके, तो फिर माइनस साइन लेंगे, उछाएंगे हम इसको, उछाएंगे और माइनस साइन लेंगे, तो देखिए क्या आ गया, अल्फा इक्वल्स टू माइनस ऑफ उछाए बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू अपॉन ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन, तो ये बराबर है, क्योंकि अल्फा के बराबर है दोनों, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो माइनस माइनस कटा, तो कंडीशन क्या हो जाएगा, कंडीशन ऑफ कॉमन रूट, जो कंडीशन हमें निकालना है वो कंडीशन क्या है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो क्या हो गया, ए वन सी टू माइनस ए टू सी वन का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू इंटू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ओके, यही कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिएगा, बस नोट कर लीजिए कॉपी में, आपको याद नहीं रखना है, आपको इसी तरह से करना होगा, ओके, मैं आपको और भी तरीके बताऊंगा, लेकिन जो ये तरीका है, मेथड वन है अपना, उसमें आपको बस ये नहीं याद रखना है, ये बस आप लिख लीजिए, आपको हमेशा तरीका याद होना चाहिए था कि हम अल्फा स्क्वायर बटे खाली जगह इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन खाली जगह इक्वल्स टू वन अपॉन खाली जगह लिखेंगे, उसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व होता है, टाई की नॉट की तरह, B1C2 माइनस B2C1, A1C2 माइनस A2C1, A1B2 माइनस A2B1, ओके, ठीक है, आप ये नोट करें, मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। ओके, देखिए मेथड टू, उसी कंडीशन को लाने का एक और मेथड हम देखते हैं, क्योंकि अल्फा रूट है तो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो ए वन अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन अल्फा प्लस सी वन इक्वल्स टू जीरो, और ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू अल्फा प्लस सी टू इक्वल्स टू, अब क्या करो, इस इक्वेशन को ए टू से मल्टीप्लाई करो और इस इक्वेशन को ए वन से, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ये बनेगा ए वन ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी वन ए टू अल्फा प्लस सी वन ए टू इक्वल्स टू जीरो, फिर ये क्या बनेगा, ए वन ए टू अल्फा स्क्वायर, ए वन ए टू अल्फा स्क्वायर प्लस बी टू ए वन अल्फा, बी टू ए वन अल्फा प्लस सी टू ए वन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, ये तरीका उनके लिए है ना, जिनको बिल्कुल फंडामेंटल तरीके पसंद है, उनको थोड़े से फॉर्मूले वॉर्मूले उतने नहीं समझ आते, उनको कि बिल्कुल मुझे फंडामेंटल तरीका बताओ, मुझे बिल्कुल फील होना चाहिए इक्वेशन, ठीक है, उनके लिए ये तरीका है। अब क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू, तो अल्फा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू अपॉन बी वन ए टू माइनस बी टू ए वन, अब चेक करना, ठीक ना, अब सही ढंग से चेक करोगे तो यही होगा, आप पिछली बार जो अल्फा निकाले थे और इस बार जो अल्फा निकाल रहे हो बिल्कुल सेम है, ओके, अब बोलोगे उससे इसे तो अल्फा आया, कंडीशन आया ही नहीं, उसे तो हमारा कंडीशन भी आ जाता था, तो देखिए इससे भी कंडीशन आएगा। अब एक बार आप क्या करो ना, इंटू ए टू ए वन किए, एक बार क्या क्या करो, मल्टीप्लाई बाय सी टू मल्टीप्लाई बाय सी वन, अब इक्वेशन क्या आएगा, ठीक है, इसको रख लेते हैं हम इधर, बाकी इसको रब कर देते हैं, ओके, इसको रब करते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, C2 A1 अल्फा स्क्वायर प्लस C2 B1 अल्फा प्लस C2 C1 इक्वल्स टू जीरो, ओके, फिर इधर क्या आ जाएगा, C1 A2 अल्फा स्क्वायर प्लस C1 B2 अल्फा प्लस C1 C2 इक्वल्स टू जीरो, सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ जाएगा, ये तो कट गया, तो ये आएगा C2A1 माइनस C1A2 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू C2B1 माइनस C1B2 इक्वल्स टू जीरो, क्या इससे अल्फा आ जाएगा हमारा, तो क्या आएगा अल्फा,
एक अल्फा तो कटेगा क्योंकि जीरो है, तो अल्फा कॉमन लेके मैं काट ही सकता हूं, तो अल्फा क्या आ जाएगा, प्लस टू, ये माइनस होके उधर जाएगा, तो माइनस सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू अपॉन अपॉन में क्या आएगा, सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू, सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू। तो देखिए अल्फा इक्वल्स टू, एक बार ये लाया हमने, एक बार माइनस ऑफ सी टू बी वन माइनस सी वन बी टू बाई सी टू ए वन माइनस सी वन ए टू। ओके, आपको ये तो नहीं लग रहा ना कि यहाँ पे उस बार दोनों में माइनस आ रहा था, इस बार एक प्लस है एक माइनस है। ठीक है, आप यहां क्या कर लो, आप माइनस कर लो, आप इसी को ये लिख लो ना, माइनस सी वन ए टू माइनस सी टू ए वन, अब हो गया ना सेम। ओके, तो आप दोनों कंडीशन देखोगे तो सेम ही है। ओके, देखिए अब एक बात मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको तीनों के तीनों कोएफिशिएंट्स जो है दोनों इक्वेशन के अलग है, आप आपकी मर्जी, आपको आपकी चॉइस है, आपको अगर पिछला वाला मेथड ठीक लगे आप वो सॉल्व करो, उससे सॉल्व करो, आपको ये वाला मेथड ठीक लगे आप इससे सॉल्व करो, लेकिन अगर कोई या तो एक्स स्क्वायर का या फिर एक्स का या फिर कॉन्स्टेंट टर्म सेम हो गए ना दोनों इक्वेशन के, तो आप इसी से सॉल्व करना, ठीक ना, क्योंकि फिर कट जाएगा, फिर आराम से इससे अल्फा आ जाएगा। ओके ठीक है, तो आप ये नोट डाउन करो, ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, मैं जे एडवांस के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जी मेन के भी आए हुए रिसेंट क्वेश्चन, ठीक ना, रिसेंट आए हुए क्वेश्चंस मैं करा दूंगा। ठीक है, आप ये नोट करें, मैं मिटाता हूं। ओके, क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, then prove that b plus c plus 1 equals to 0 or b square plus c square plus 1 equals to bc plus b plus c। ठीक है, मेरे ख्याल से ऐसा पुराना जी का ही क्वेश्चन है, पुराना ही आईआईटी या रुड़की का क्वेश्चन होगा ये, एक मिनट है आप सॉल्व करें, आप भी शुरू में दोनों तरीके से सॉल्व करें ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, और कोई भी स्टेप स्किप मत कीजिएगा प्लीज, ठीक ना, स्टार्टिंग में आप अभी स्किप मत करना कोई भी स्टेप, बाद में फिर आप कर सकते हो स्किप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं सॉल्व करता हूं पहले डिटरमिनेंट वाले मेथड से। ओके, पहले डिटरमिनेंट वाले मेथड से सॉल्व करते हैं, तो दे हैव अ कॉमन रूट, तो मान लेते हैं अल्फा है कॉमन रूट, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा, अल्फा दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, बी अल्फा स्क्वायर प्लस सी अल्फा प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। अब डिटरमिनेंट मेथड पे क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर अपॉन खाली जगह इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन खाली जगह इक्वल्स टू वन अपॉन, ठीक है, अब क्या करते हैं अल्फा को ढके, ओके बी सी सी वन, बाकी कोएफिशिएंट्स हमने लिख डाले, अब इसको ढकते हैं वन, इसका कोएफिशिएंट वन है, ठीक ना, इसका बी, इसका सी, इसका वन, अब वन वाले को कॉन्स्टेंट टर्म वाले को ढकते हैं तो क्या आएगा, वन बी और बी सी। ठीक है, डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, बी माइनस सी स्क्वायर, वन माइनस बी सी, सी माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, लिख लेते हैं। ठीक है, अभी आप ऐसे करो, बाद में थोड़े दो तीन क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्ट लिख देना अल्फा स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी स्क्वायर माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस बी सी वन अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर, फिर आप डायरेक्ट ही लिख देना, अभी फिलहाल आप ऐसे ही करो, तो क्या आ गया अल्फा स्क्वायर अपॉन बी माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस अल्फा अपॉन वन माइनस बी सी इक्वल्स टू वन अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। ओके ठीक है ना, ठीक है, अब अल्फा के बराबर करो दो इक्वेशन, एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, एक बार इन दोनों को सॉल्व करो, अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक ना, दोनों से, और फिर दोनों को इक्वेट कर दो, तो एक बार इससे निकालते हैं तो हमारा अल्फा क्या आता है, माइनस अल्फा इक्वल्स टू, ठीक ना, ये एक अल्फा कटेगा, एक माइनस को मैंने इधर ले लिया, तो माइनस अल्फा इक्वल्स टू
बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी सी, फिर इसी क्वेश्चन से माइनस अल्फा क्या आ गया, वन माइनस बी सी उचका दो वन माइनस बी सी को अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर। अब चूंकि दोनों ही माइनस अल्फा की वैल्यू है तो दोनों को बराबर होना चाहिए, तो बी माइनस सी स्क्वायर अपॉन वन माइनस बी सी इक्वल्स टू वन माइनस बी सी अपॉन सी माइनस बी स्क्वायर, यानी वन माइनस बी सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी माइनस सी स्क्वायर इंटू सी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करो, खुद से पहले सॉल्व करो आप इक्वेशन, फिर मैं सॉल्व करता हूं। ओके, ये क्या आ जाएगा, वन प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस टू बी सी इक्वल्स टू सी होगा बी सी, ठीक, तो हो जाएगा माइनस थ्री बी सी इक्वल्स टू जीरो। अब देखिएगा, मैंने बेसिक मैथ्स इसीलिए मैं पढ़ाता हूँ स्टार्टिंग में, ताकि आप कभी ये ना बोलो कि पिछला मेरे को याद नहीं है इसलिए नहीं बन रहा है। बेसिक मैथ्स में पढ़ा रखा है मैंने ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी, ठीक है, ए की जगह पे वन है यहाँ पे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी अगर जीरो होगा तो या तो ए प्लस बी प्लस सी जीरो होगा, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए जीरो होगा। क्या होता है आपको शायद याद नहीं है, या फिर आपने बेसिक मैथ्स नहीं देखा है तो बता देता हूँ, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस थ्री ए बी सी इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ओके, ठीक है ना, तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, वन प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, और हम कह सकते हैं या तो वन प्लस बी प्लस सी जीरो हो, या फिर क्या होगा, वन प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी हो गया। ये चीज देखिए वही है ना, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू बी प्लस बी सी प्लस सी, और ये वन प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, दोनों में से या तो ये होना चाहिए या फिर ये होना। ठीक है, क्वेश्चन है, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू सी एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हैव अ कॉमन रूट, then a plus 4b plus 4c equals to, ठीक है, दिया हुआ है b not equals to c, वो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि b equals to c हो जाएगा तो सेम ही इक्वेशन हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, हैव अ कॉमन रूट, तो मान लेते हैं अल्फा भी द कॉमन रूट, तो अल्फा सेटिस्फाई कर रहा होगा दोनों को, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस 2c अल्फा प्लस b equals to 0 उसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा, तो a अल्फा स्क्वायर प्लस टू बी अल्फा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। मैंने आपको क्या बताया था, अगर किसी एक का कोएफिशिएंट मैच कर जाए ना, तो फिर आप डिटरमिनेंट वाले मेथड से नहीं सॉल्व करोगे, फिर आप सिंपल सॉल्व करोगे। ओके, फिर आप बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से ही सॉल्व करोगे, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या आ गया, अल्फा इंटू टू सी माइनस टू बी प्लस बी माइनस सी इक्वल्स टू जीरो, तो अल्फा क्या आ गया, ये उधर जाके सी माइनस बी हो जाएगा अपॉन टू सी माइनस टू बी, यानी क्या हो जाएगा हाफ। अब मुझे वैल्यू चाहिए ए प्लस फोर बी प्लस फोर सी की। ओके, तो आप अल्फा इक्वल्स टू हाफ किसी एक में पुट कर दो, किसी में पुट करो दोनों से आ जाएगा, तो इसमें पुट करते हैं, तो हाफ पुट करते हैं, तो ए इंटू हाफ का होल स्क्वायर क्या होता है वन बाई फोर प्लस टू सी इंटू हाफ प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, क्या आता है ए बाई फोर प्लस सी प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, यानी क्या हो गया 4a, सॉरी यानी क्या आ गया a प्लस फोर बी प्लस फोर सी इक्वल्स टू जीरो। ओके, बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, बस मैं ये आपको ये बताने के लिए करा था कि कब आपको कौन सा मेथड अप्लाई करना है, इस बात को ही समझाने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ठीक है, सी नोट कीजिए, एक और क्वेश्चन कराता हूं, उसके बाद में दो जेई के क्वेश्चन कराते हैं, ठीक है, आप नोट करें, उसके बाद एक और क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद दो जेई के क्वेश्चन। ओके, ओके, सॉल्व करो आप, ये क्वेश्चन आसान ही है, लो एक मिनट टाइम लो आप बिल्कुल, ठीक ना, बिल्कुल एक मिनट टाइम लेके सॉल्व करो इसको। ठीक ना, अटेम्प्ट कर लिया होगा आप,
ठीक है, अब मैं सॉल्व करता हूँ। क्या बोला गया है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा, और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी सी इक्वल टू जीरो, इसके रूट्स हैं अल्फा गामा। ओके, अल्फा गामा तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा इक्वल्स टू माइनस ए, और अल्फा इंटू गामा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी सी, ठीक, और अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस बी, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा ए सी। अब क्या करो, आप डिवाइड करो इससे, तो बीटा बाई गामा क्या आ गया, या कहें गामा बाई बीटा, बी सी अपॉन ए सी यानी बी अपॉन ए, तो गामा क्या आ गया, गामा इक्वल्स टू बीटा इंटू बी बाई ए। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो, ठीक ना, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करो, तो गामा माइनस बीटा क्या आ जाएगा, गामा माइनस बीटा इक्वल्स टू माइनस ए प्लस बी यानी बी माइनस ए। ओके, और गामा को आप पुट कर दो बीटा बी बाई ए, तो बीटा बी बाई ए माइनस वन इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो बीटा बी माइनस ए अपॉन ए इक्वल्स टू बी माइनस ए, तो क्या हो गया, बीटा इक्वल्स टू ए आ गया, ठीक ना। अब बीटा इक्वल्स टू ए आया तो गामा क्या आ जाएगा, ए इंटू बी बाई ए, तो गामा इक्वल्स टू बी। ओके, अब गामा आ गया हमारा बी, अब हमें चाहिए अल्फा, अल्फा चाहिए, तो अल्फा इक्वल्स टू बी सी अपॉन गामा, गामा क्या है बी, तो अल्फा इक्वल्स टू सी, तो हमारा अल्फा सी है, बीटा जो है वो ए है, और गामा क्या है बी, ठीक है इस ऑर्डर में। ठीक है, नोट कर लो, बिल्कुल इजी प्रॉब्लम। ओके, जेईई 2013 का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। If the equation x square plus 2x plus 3 equals to 0 and x square plus 3x plus 3 equals to 0, coefficients सारे real हैं, have a common race root, have a common root, then a is to b is to c is, ठीक है? Okay, आप 30 सेकंड के अंदर इसे सॉल्व करो, 30 मैंने बहुत बोल दिए, ये तो मेरे ख्याल से 5 से 10 सेकंड में सॉल्व हो जाना चाहिए, बिना पेन उठाए, बिना पेन उठाए आप सॉल्व करोगे, ठीक ना, मैंने बता रखा है आज के लेक्चर में, याद करो स्टार्टिंग में, बिल्कुल 5 सेकेंड, ओनली 5 सेकेंड। आप ये नोटिस करो, इस इक्वेशन में इसका डी क्या है, 4 माइनस 12 यानी नेगेटिव, यानी इसके जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे, और बोल रहा है कि हैव ए कॉमन रूट, तो अगर एक रूट कॉमन है तो दोनों रूट कॉमन होगा, क्योंकि अगर उसका एक रूट है पी प्लस आयोटा क्यू, और इसका भी वो रूट मैच हो रहा है पी प्लस आयोटा क्यू, तो अगला रूट पी माइनस आयोटा क्यू इसका भी होगा उसका भी होगा। ओके, क्योंकि इसके कॉफिशियंट रियल है, ठीक, तो ए इज टू बी इज टू सी, तो जब दोनों रूट कॉमन होते हैं तो रेशियो क्या होता है, बराबर, तो रेशियो अगर इसका 1:2:3 है तो इसका भी, इस इक्वेशन का भी कॉफिशियंट का रेशियो वही होगा, 1:2:3 उसका था तो इसका भी 1:2:3, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन बहुत लोग क्या करते हैं ना, बिल्कुल टाइटल डालेंगे, ट्रिक फॉर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन कराएंगे उसके बाद ये करा देंगे जेई मेन क्वेश्चन इन 5 सेकंड, देखो सॉल्व कर लिया, एक ट्रिक हो गया। अरे ट्रिक क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। ठीक है, और ऐसे एक आध क्वेश्चन आते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन में आपको बिल्कुल सॉल्व करना होगा, कोई ट्रिक व्रिक काम नहीं देता है। अरे ट्रिक क्या है, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही है ना भाई, एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक रूट पी प्लस आयोटा क्यू आएगा तो दूसरा पी माइनस आयोटा क्यू आएगा, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर दोनों रूट सेम हो रहे हैं, अगर दोनों रूट सेम हो रहे हैं तो कॉफिशियंट का रेशियो सेम होगा। ओके ओके, एक क्वेश्चन कर लेते हैं जेई का, उसके बाद अगले लेक्चर में फिर देखेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ओके, जेई का क्वेश्चन है, अब बिल्कुल टाइम ले, 1-2 मिनट और सॉल्व करें, अगर ज्यादा टाइम चाहिए तो आप स्क्रीन पॉज कर लें, लेकिन आप खुद से अटेम्प्ट जरूर करें, आप खुद से अटेम्प्ट करें।
ठीक है स्टार्ट करते हैं। वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द इक्वेशंस हैव वन रूट कॉमन, ये कोफिशिएंट सेम है ना, तो आप क्या डिटरमिनेंट वाला मेथड नहीं लगाएंगे, आप बिल्कुल फंडामेंटल अप्रोच से सॉल्व करें। तो अल्फा होगा एक रूट मान लेते हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा -1 इक्वल्स टू 0, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा होगा अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप मैंने ये बताया था कि अगर कॉन्स्टेंट मैच करें तो आप फंडामेंटल अप्रोच से ही जाएं, तो अल्फा बी -1 -1 -b इक्वल्स टू 0, यानी अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस बी अपॉन बी -1। ठीक है, अब एक बार क्या करें, इससे तो कंडीशन नहीं आया, कंडीशन किससे आएगा, अगले वाले से। अब क्या करो, आप बी से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन को, तो बी अल्फा स्क्वायर, नहीं इस फर्स्ट वाले को आप बी से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आया, बी अल्फा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अल्फा माइनस बी इक्वल्स टू 0। ओके, और इसको ऐसे ही रहने दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब इस बार क्या करो, ऐड कर दो, तो अल्फा स्क्वायर बी प्लस 1 प्लस अल्फा बी स्क्वायर प्लस 1, ये तो ऐड होके 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, तो एक अल्फा से एक अल्फा तो गया, तो अल्फा क्या आ गया, माइनस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1। ओके, और अल्फा यहां से ये भी आया 1 प्लस बी अपॉन बी माइनस 1, तो दोनों को इक्वल कर दो, क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 1 प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू बी माइनस 1 इनटू माइनस बी स्क्वायर माइनस 1, तो क्या हो गया, 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b इक्वल्स टू माइनस बी क्यूब माइनस बी प्लस बी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस 1 तो कट गया, तो इसे क्या आ गया, इसको इस साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड, तो बी क्यूब प्लस 3b इक्वल्स टू 0, तो या तो b इक्वल्स टू 0 हो, ठीक ना, या फिर b स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0, जिससे क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट 3 आयोटा, प्लस माइनस रूट 3 आयोटा में से एक माइनस रूट 3 आयोटा, तो वो टिक कर देते हैं। ठीक है, 0 भी आंसर है, ऐसा नहीं कि 0 आंसर नहीं, आप देख सकते हो 0 क्लियरली दिख रहा है कि 1 आ रहा है दोनों से। ओके, 1 नहीं मतलब -1, 0 रखोगे तो -1 आएगा ना, देखो इसको 0 रखोगे तो इक्वेशन क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0, तो ये क्या आ गया, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, और ये आ गया एक्स इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस वन हो गए ना कॉमन रूट। ठीक है, लेकिन आंसर ऑप्शन में केवल एक मैच कर रहा है, माइनस रूट 3 आयोटा। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, आपको मैंने कॉमन रूट बहुत ही डिटेल में पढ़ा है, ठीक ना, तो ठीक है, आज के लिए बाय रहेगा, एंजॉय लाइफ।